दिग्गज एक्टर ऋषि कपूर के निधन के बाद नीतू कपूर टूट गई थीं। उन्होंने जैसे तैसे खुद को संभाला है और अब वो अपने काम पर फोकस कर रही हैं। नीतू कपूर इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव रहती हैं। वो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े अपडेट फैंस के साथ शेयर करती रहती हैं। अब नीतू कपूर ने बताया कि ऋषि कपूर के निधन के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करने पर उन्हें ट्रोल किया जाता था। फिल्म कैंपेन के साथ इंटरव्यू के दौरान नीतू कपूर ने कहा है कि मैं सोशल मीडिया पर इसलिए एक्टिव रहती हूं क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद है। मैं अपने फॉलोअर्स से प्यार करती हूं। मैंने सिर्फ उन्हें ब्लॉक किया है जिन्होंने मुझे ट्रोल किया है। मैं ब्लॉक कर देती हूं क्योंकि उन लोगों का कहना है कि हस्बैंड मर गया है और ये एंजॉय कर रही हैं। वो मुझे एक विधवा की तरह रोते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन मैं ऐसे लोगों को ब्लॉक कर देती हूँ। मैंने कहा कि मैं ऐसी हूँ और ऐसी ही रहूँगी। नीतू कपूर ने आगे बताया कि मैं इसी तरह ठीक हो जाऊंगी। कुछ लोग रोकर उभरते हैं तो कुछ लोग हंसकर। मैं अपने पति को कभी भूल नहीं सकती हूं। वो हमेशा मेरे और मेरे बच्चों के साथ हैं। यहां तक कि जब हम साथ खाना खाते हैं तो आधे वक्त तो हम उनके बारे में बात करते हैं। इस तरह हम उनको बहुत मिस करते हैं। रणवीर के फोन के स्क्रीन सेवर पर आज भी उनकी फोटो है। हम इस तरह उन्हें मिस करते हैं, लेकिन हम उन्हें याद कर दुखी नहीं होते। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।